यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन और जांच पड़ताल में जुट गई है ताकि घटना का खुलासा और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दक्षिणी गोपाल चौधरी ने बताया कि पुलिस को थाना पारा के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान लखनऊ के काकोरी निवासी 29 साल के संदीप के रूप में हुई है। डीसीपी चौधरी ने बताया कि प्रथम दृश्य में पेट में गनशॉट इंजरी दिख रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द पूरा कर मामले का खुलासा किया जा सके। पुलिस की माने तो घटना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। जल्द ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक संदीप अपने घर काकोरी से शुक्रवार की रात एक बर्थडे पार्टी में जाने का कहकर सरोजनी नगर के लिए निकला था। शनिवार सुबह उसका शव एक खाली प्लॉट में खून से लथपथ पाया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।